हेलो स्टूडेंट, पेज नंबर 9 आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आप निकाल लीजिए, अपनी बुक ओपन कीजिए और निकालिए पेज नंबर 10। और यहाँ पर क्या पिक्चर बना हुआ है? स्कूटर का, ठीक है, स्कूटर का। और स्कूटर तो आपके सबने देखा होगा, किसी किसी के घर पर होगा भी स्कूटर, ठीक है। इससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही कम समय में पहुँच जाते हैं, बाजार जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करना है तो हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको स्कूटर को कैसे स्केच करेंगे। इसे भी हम 3 स्टेप में ही स्केच करेंगे। तो पहला स्टेप हमने बोर्ड पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, और अब इसी में हम सेकेंड स्टेप बनाने वाले हैं और फिर थर्ड स्टेप बनाने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि जो भी मैंने ड्राॅइंग बताई है सब स्टेप वाइज बताई है, और सारी ही ये सारी 3 स्टेप में ही आपको बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप जो ऊपर बना हुआ है उसको देखकर राइट साइड में स्केच कीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप देखिए मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं थर्ड स्टेप बताऊंगी, इसके बाद इसे कलर करूंगी। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी बना दिया है मैंने। सेकेंड स्टेप के लिए हम सबसे पहले बताने वाले हैं स्कूटर की हैंडल। इसके बाद लाइट का एरिया जो है ना, यहाँ लाइट जलती है ना, और ये इसका जो पहिया है, जो चक्का होता है, उसमें एक और सर्कल बनाना है। और इस साइड भी आप थोड़ा ऐड करेंगे, यहाँ एक और लाइन बनाइए, और यहाँ पे इसकी जो स्टेपिंग होती है यहाँ से लाकर इसे हम इधर मिलाएंगे। सेकेंड स्टेप कंप्लीट है और अब हम आगे बताएंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम इसके यहाँ पर बनाएंगे मिरर, शीशा लगा होता है ना लाइन में, और फिर इस हैंडल को यहाँ से ब्रेक और फिर डबल लाइन से, और यहाँ से ये ब्रेक वाला हिस्सा ये मैंने बना दिया कि लाइट के शेप को हम क्या करेंगे, थोड़ा राउंड, ठीक है, राउंड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम इरेज करते जाएंगे। ये लाइट हो गया, इसके बाद इधर से को बनाएंगे, और इसे भी थोड़ा हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा राउंड शेप में इधर से लाकर इसको थोड़ा राउंड करेंगे, और एक्स्ट्रा लाइंस को हमें मिटाना होगा इस तरह। ये कंप्लीट करेंगे और फिर इसके अंदर एक और छोटा सर्कल, और इसे भी थोड़ा हम शेप देंगे, इधर से शेप लगा के थोड़ा हम थोड़ा राउंड में करके इधर मिलाएंगे, और जो अंदर की जो लाइन है उसे हम इरेज कर देंगे। हमने इस
स्टिकर को जो है कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसे कलर करूंगी। ठीक है, स्कूटर किस कलर का? ब्लू और ब्लैक है। इसकी सीट जो सारी क्या है? ब्लैक है और स्कूटर का कलर है ब्लू। तो हम इसे करेंगे ब्लू। आउटलाइन जो रंग बना रही हैं, कलर मैं लगा रही हूँ क्योंकि मैं जॉब यूज कर रही हूँ, तो बाद में मैं इसके कलर को डार्क करूंगी। तो डार्क करने के बाद मैं आउटलाइन को मैं फिर से डार्क करूंगी आउटलाइन को। और इसके पहिए का कलर आप जानते हैं, पहिया जो होते हैं वो क्या होता है? ब्लैक होता है ना, तो उसको मैं छोड़ूंगी, वो ब्लैक करूंगी और लाइट को मैं थोड़ा येलो कर देती हूँ। आप जो भी येलो नहीं है ना, तो कैसे अपने से बना रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी कलर आप येलो लगा सकते हैं, ऑरेंज भी लाइट होती है, व्हाइट भी होती है, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत। ठीक है, और इसकी सीट की कलर जो है वो क्या है? ब्लैक है। ये सब कुछ ब्लैक है। जो लोग ब्लैक हिस्सा है उसको मैं छोड़ देती हूँ। जो ब्लैक हिस्सा है उसे मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो पहिया ऑलरेडी ब्लैक होता है और सीट और सेंटर के पीछे होती है, ये सब ब्लैक होता है, इसे मैं छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं ऑफलाइन को डाल कर रही हूँ।
इसी तरह हमारा स्कूटर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, रोड पे चल सकता है बहुत ही आराम से, बिल्कुल लग रहा है सचमुच स्कूटर ना। हाँ, तो इसी तरह आप भी अपने बुक में राइट साइड में बनाना है, स्केच करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने जैसे देखा है, जैसे कि मैम ने बोर्ड पे आपको बताया हुआ है, उसी तरह स्टेप वाइज अच्छे से स्केच करेंगे और फिर कलर करेंगे। ओके, बाय बाय किड्स।